हेलो गाइस, आज हम आपको अपनी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पीएबी लाइव में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आज आपको अपनी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाते हैं। दोस्तों इस बार काफ़ी अच्छी ब्रीड आई हुई है। ये हमारी कॉलोनी का सेकंड क्लच है। सेकंड क्लच में दोस्तों ढेर सारी मटकियों में ढेर सारे अंडे और बच्चे पड़े हुए हैं। कुछ मटकियों से जो बच्चे जो है बाहर आ गए हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने से आपको हमारी कॉलोनी की अपडेट पता लग जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपको एक मटकी से ब्रीड दिखाएंगे। हमारे पास काफी अच्छी ब्रीड आई हुई है। ये देखिए, ये एक नंबर मटकी है। दोस्तों ये देखिए, आपको दिख रही होगी, ये एक नंबर मटकी है। इसमें क्या चल रहा है, इसमें दोस्तों अभी 3, 6, 8 अंडे हैं और एक चिक्स जो है बाहर आ चुका है। काफी अच्छी प्रोग्रेस है। आशा करता हूँ कि बाकी अंडों में से भी बच्चे बाहर आएंगे। एक अंडा जो मुझे अनफर्टाइल दिख रहा है, बाकी अंडे फर्टाइल है। अभी आगे चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें तकरीबन 2 बच्चे यहाँ पे निकले हुए हैं दोस्तों, 2 नंबर मटकी में। और काफ़ी अच्छी ब्रीड है इसमें भी, 2 बच्चे। और दोस्तों जो 3 नंबर मटकी आपको दिख रही है, इसमें बेशुमार अंडे पड़े हुए हैं। आपको गिनती में आएंगे तो 3, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15 अंडे लगभग इसमें इस मटकी में पड़े हुए हैं। और जल्दी उम्मीद है कि इसमें भी जल्द से जल्द बच्चे जो हैं अंडों से बाहर आएंगे। और जो दोस्तों 4 नंबर मटकी में हम आपको दिखाएंगे, तो 4 नंबर मटकी में तकरीबन 2 बच्चे इसमें 2 अंडे हैं। और दोस्तों 5 नंबर मटकी ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसका व्यू, इसमें तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे दोस्तों इसमें हैं। काफ़ी अच्छे बच्चे निकाले हुए हैं दोस्तों इसने। काफ़ी अच्छा खाना, फीड फूड सही टाइम पे हो रही है, काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं इसमें। और ये 6 नंबर मटकी हम आपको दिखाते हैं। 6 नंबर मटकी में भी 1, 2, 3, 4, 6 बच्चे हैं दोस्तों। वाह, 6 नंबर मटकी में 6 ही बच्चे हैं। आपको देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी ब्रीड है इसमें 6 नंबर मटकी में। और 7 नंबर मटकी की बात करें तो इसमें जो है मेल फीमेल जो अभी बीच में मटकी के अंदर घुसे हुए हैं, और आशा करता हूँ जल्दी यहाँ पे भी अंडे ले करेंगे ये। अब चलते हैं दोस्तों 8 नंबर मटकी की ओर। 8 नंबर मटकी की ओर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर मटकी की बात करें तो इसमें फीमेल अंदर बैठी हुई है और 2 अंडे इसने दिए हुए हैं, और आगे भी और अंडे जो है ये ले करेगी। और 9 नंबर मटकी में क्या चल रहा है, 9 नंबर मटकी में तकरीबन 4 चिक्स आए हुए हैं, और शायद पेयर्स के बीच में आपस में लड़ाई हुई है, जो कि इनके सिर में बाल कम है दोस्तों। और 10 नंबर मटकी में फ़िलहाल दोस्तों 3 बच्चे इसमें भी हैं, और शायद इनको एक मटकी गिली हुई पड़ी है, इनको मोशन की शिकायत है, जल्दी इनका भी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और दोस्तों 11 नंबर मटकी में फीमेल जो है बच्चों पर बैठी हुई है, और इसके तकरीबन 4 बच्चे आगे हैं और 2 अंडे अभी भी इसमें पड़े हुए हैं। और दोस्तों 12 नंबर मटकी में कुछ नहीं है, और 13 नंबर मटकी में भी जो फीमेल है वो अंडे पे बैठी हुई है, और इसके नीचे तकरीबन 9 अंडे हैं दोस्तों। आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारे पास अभी आई हुई है। और 14 नंबर मटकी में हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, और 15 में भी कुछ नहीं है। और अब चलते हैं 16 नंबर मटकी की तरफ। 16 नंबर मटकी में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 9 अंडे हैं दोस्तों। और 17 नंबर मटकी में दोस्तों 2 चिक्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक येलो कलर का काफ़ी अच्छा चिक है दोस्तों, देखिए। और 18 नंबर मटकी में तकरीबन दोस्तों इसमें 4 चिक है, और 2 अंडे अभी भी पड़े हुए हैं, मगर अंडे जो है ख़राब हो चुके हैं।
चार ही चिक्स में रहेंगे और 19 में दोस्तों एक ही चिक्का है और जो दो अंडे हैं वो अनफर्टाइल है, एक ही चिक्स में आया हुआ है। और दोस्तों 20 नंबर मटकी में भी हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी दोस्तों एक ही चिक्का आया हुआ है और दो अंडे पड़े हुए हैं, ये भी अनफर्टाइल है। और 21 नंबर मटकी में दोस्तों जो फीमेल अपने बच्चों को फीड करा रही है आपको दिख रहा होगा, और इसमें तीन बच्चे हैं और जो अंडे भी कुछ पड़े हुए हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है इसका, जो फीमेल अपने बच्चों को फीड करा रही है आपको दिख रहा होगा। और 22 नंबर मटकी में दोस्तों आप देखिए कितने चिक्स हैं इसमें, इसमें भी दोस्तों तीन चिक्स आए हुए हैं और फीमेल जो है बच्चों को फीड करा रही थी। और 23 नंबर मटकी में कुछ नहीं है। और हम चलते हैं आप 24 नंबर की मटकी की तरफ, आपको दिख रहा होगा 24 नंबर मटकी में पांच अंडे हैं और 25 में भी तकरीबन 6-7 अंडे हैं दोस्तों। और 26 नंबर मटकी में दोस्तों अभी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं और तकरीबन इसमें 3-4 अंडे अभी इसने दिए हुए हैं इसमें। और 27 में दोस्तों आपको दिखाते हैं, 27 नंबर में चार चिक्स जो है मटकी में आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारे बजिश पैरट की तरफ से हमारे पास आ रही है। और 28 नंबर मटकी में दो अंडे लेके हुए हैं और अभी फीमेल जो है अभी और अंडे देगी। और जो 29 नंबर मटकी है दोस्तों इसमें जो है दो चिक्स हैं और फीमेल अभी भी अंदर ही है दोस्तों, दो ही चिक्स हैं इसमें और बाकी अंडे ख़राब हो चुके हैं। और 20 नंबर में दोस्तों अभी तक फीमेल जो अंदर ही है मगर जल्दी अंडे ले करेगी। और 31 में जो है फीमेल बैठी हुई है, देखते हैं क्या चक्कर है इसका। और दोस्तों इसमें भी लगभग तीन बच्चे दोस्तों इसमें भी है और चौथा अंडा भी पड़ा हुआ है, शायद इसमें भी बच्चा निकलेगा अभी। और लगभग तीन बच्चे अभी इसमें इस मटकी में है और एक अंडा भी है। और दोस्तों अभी चलते हैं, ये 31 नंबर मटकी थी और अभी चलते हैं 32 नंबर मटकी की तरफ। और दोस्तों 32 नंबर मटकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें दोस्तों काफ़ी अंडे हैं और तकरीबन दो बच्चे इसमें हैं और 4-8 अंडे पड़े हुए हैं, अभी दो बच्चे हैच हो चुके हैं और बाकी अंडे भी मेरे को फर्टाइल ही लग रहे हैं और शायद बाकी अंडों में से भी बच्चे बाहर आएंगे। और जो 33 नंबर मटकी है इसमें लगभग 4 अंडे थे जिसमें से एक चूजा बाहर आ चुका है और 3 अंडे भी पड़े हुए हैं, एक चिक्स जो है बाहर आया हुआ है। 34 नंबर मटकी में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक ही चिक्स इसमें आया हुआ है और बाकी अंडे जो 4 अंडे थे वो जो है अनफर्टाइल ही रह गए और फीमेल जो है काफ़ी अच्छा बच्चा इसने पाल रही है। और एक चिक जो है ये 35 नंबर मटकी के ऊपर बैठा है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। और इसमें भी लगभग दोस्तों 4 चिक्स जो है बड़े हो चुके हैं, लगभग हफ्ते के अंदर ये सारे बाहर आ जाएंगे। 36 नंबर मटकी में दोस्तों आपको दिखाते हैं, इसमें तो काफ़ी अच्छी ब्रीड आई हुई है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, हम गिन नहीं पा रहे, 3 और 5 काफ़ी अच्छी ब्रीड आई हुई है इसमें और तकरीबन 6 बच्चे इसमें हैं दोस्तों, 3 और 2 ये हैं दोस्तों, एक बच्चा इनके पीछे है, 6 बच्चे इसमें हैं। और ये 36 नंबर मटकी क्या हाल है, इसमें 6 बच्चे हैं। और 37 नंबर मटकी में दोस्तों तकरीबन दोस्तों 4 बच्चे इसमें हैं, 4 बच्चे दोस्तों इसमें भी है आपको दिख रहा होगा, 37 में दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि 4 बच्चे इसमें भी है। और 38 में कुछ नहीं है और 39 में भी दोस्तों 4 ही बच्चे दोस्तों इसमें भी है, काफ़ी अच्छी ब्रीड है, 4 नहीं दोस्तों शायद 5 बच्चे हैं दोस्तों, इसमें 4 बच्चे हैं। और चल अब 39 के बाद चालीस नंबर की मटकी में 3 बच्चे हैं और 49 में दोस्तों ढेर सारे अंडे
कितने अंडे हैं ये, 4, 8, 14 अंडे दोस्तों इसमें हैं। और 42 में लगभग दोस्तों 4 चिक जो बाहर आ चुके हैं, और अभी तक 11 अंडे इसमें जो है पड़े हुए हैं 42 नंबर मच्छी में। और 43 में कुछ नहीं है। 44 में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 5 इसमें दोस्तों है, एक येलो सा नीचे है और 4 ये ऊपर है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, एक पांचवा बच्चा आपको दिख नहीं रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए 5 बच्चे दोस्तों। और 45 में दोस्तों, 45 में तो इसमें भी दोस्तों 5 बच्चे हैं, और 46 में कुछ नहीं है, और 47 में भी दोस्तों 2 बच्चे पड़े हुए हैं, और 48 में 4 बच्चे आगे हैं, और अभी 6 अंडे पड़े हुए हैं जिसमें से मेरे को 2 अंडे जो अनफर्टाइल लग रहे हैं, और बाकी अंडों में शायद दोस्तों बच्चे हैं अभी निकलेंगे और निकलेंगे। और 49 में भी अंडे हैं और इसमें लगभग 7 अंडे हैं दोस्तों। और 50 नंबर मटकी में दोस्तों 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं और एक फीमेल जो है अंदर ही है, बच्चों को फिट करा रही थी। और 51 में दोस्तों एक ही बच्चा है, 52 में जो है फीमेल बैठी हुई है और शायद अंडे जल्दी देगी। 53 में भी कुछ नहीं है दोस्तों। 54 में आपको दिख रहा होगा 2 बच्चे हैं और 6 अंडे भी पड़े हुए हैं, और लगभग मेरे को सारे अंडे फर्टाइल लग रहे हैं दोस्तों, और शायद और बच्चे इसमें आएंगे, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग चल रही है, और इसमें जो है 2 बच्चे आ गए हैं, 3 अंडे भी पड़े हुए हैं और अंडे जो है फर्टाइल है, इसमें जल्दी से जल्दी बच्चे बाहर आएंगे। और 56 में दोस्तों आपको दिख रहा है कि फीमेल जो बैठी हुई है और इसने जो है दोस्तों अंडे दिए हुए हैं, और इसके आगे दोस्तों इसमें एक बच्चा है 59 में, और एक ही अंडा और 2 अंडे हो रहा है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों 61 में भी फीमेल ने जो है अंडे दिए हुए हैं, 3 अंडे इसमें भी हैं, और 62 में कुछ नहीं है। 63 में भी दोस्तों कितने अंडे हैं दोस्तों, इसमें 4 अंडे हैं, और उसके बाद 65 में ब्रीड आई हुई है और उसमें भी अभी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं, जस्ट 2 ही अंडे आए हुए हैं, अभी आशा करता हूँ अभी और अंडे भी देगी। बात करता हूँ 66 नंबर मटकी में, और इसमें 2 बच्चे हैं, और 67 नंबर मटकी में दोस्तों 2 बच्चे इसमें भी हैं, और 68 नंबर में दोस्तों 3 अंडे हैं, और 69 में दोस्तों ये देखिए आप 4 बच्चे इसमें भी हैं, 69 नंबर मटकी में भी अच्छी ब्रीड आई हुई है दोस्तों, 4 बच्चे इसमें भी है। और दोस्तों 70 नंबर मटकी में दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें भी 6 अंडे हैं, और बाकी 70-72 में कुछ नहीं है। 76 नंबर मटकी में भी अभी फीमेल जो है अंडों पे बैठी हुई है और 3 अंडे इसके पास भी हैं, और 74 में कुछ नहीं है, और 75 में भी कुछ नहीं है दोस्तों। दोस्तों और भी कुछ मटकियाँ खाली थी, जिसका कारण है कि उन मटकियों के जो बच्चे थे 6 थे वो जो है मटकियों से बाहर आ चुके थे। आपको दिख रहा होगा जो मटकियाँ खाली हैं दोस्तों उनमें ब्रीड काफ़ी अच्छी आई हुई थी, उनके जो बच्चे हैं जो बाहर आ चुके हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। और उस मटकियों में भी जल्द से जल्द ब्रीड आ जाएगी, और एक बच्चा ये बैठा हुआ है, और एक दोस्तों ये बैठा हुआ है। उन खाली मटकियों का कारण ये है कि उनके बच्चे जो है बाहर फ्लाई कर रहे हैं दोस्तों, बाहर निकल आए हुए हैं, ये देखिए। ये दोस्तों सारे बैठे हुए नीचे। आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी। और दोस्तों कुछ बच्चों को हमने जो है ब्रीडिंग कॉलोनी से अलग कर दिया हुआ है, और रात को भी इनका बल्ब जो है जला के रखना पड़ता है ताकि इनको ठंड ना लग जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।